नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना रेल बाजार के अंतर्गत रहने वाले पत्रकार आशु यादव की हत्या बीते 1 जनवरी को की गई, जिनमें आशु की गला घोटकर हत्या की गई थी, जिनमें दो अभियुक्तों की तो गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की काफी मशक्कत करने के बाद दो मुख्य मेन आरोपी आज भी फरार हैं, जिनमें दीपिका शुक्ला अमित गुप्ता, जो कि पुलिस गिरफ्तारी से अभी भी दूर है, और आशु यादव का परिवार आज आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल जी से मिलने पहुंचे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिनमें समाजवादी पार्टी से रमेश यादव, समाजवादी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माही सिंह यादव, समाजवादी युवा सोच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रवीण यादव आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपका नाम क्या है? जैसे कि आपको देख रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक के आज आपके पास आपको आना पड़ा है, तो क्या प्रकरण रहा, क्या प्रकरण था? आशु यादव को और 1 और 31 की रात को उसका मर्डर कर दिया गया। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी और जो दो इसके आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है अमित गुप्ता और दीपिका शुक्ला, ये अभी पुलिस के धरपकड़ से बहुत दूर है, या ये कहूँ मैं कि वो कानपुर से बाहर हो गए हैं। मामले को लेकर अभी आपने जब इसकी तहरीर दी थी अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में, तो क्या उस मामले से लेकर के आज कितने दिन हो गया है? आज 1 महीना 8 दिन हो गया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया, ना ही मुझे तो लगता कोई कार्रवाई की जा रही है। मैंने ये प्रार्थना पत्र उन्हें दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे, आप हमारी डिपार्ट पे थोड़ा विश्वास रखिए। पर विश्वास कैसे रखें, एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन मुझसे कह रहा है कि विश्वास रखें। एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया जाता है, एक बहन से उसका भाई छीन लिया जाता है और दो बच्चे से उनका पिता छीन लिया था, और ये जो मेरे बगल में खड़ी है इसकी बीबी है कल्पना यादव, उससे उसका पति छीने, बच्चे को मैं क्या जवाब दूं जब बच्चे पूछते हैं मेरे डैडी कब आएंगे, तो इसका जवाब मुझे कौन देगा? क्या कोई पुलिस अधिकारी मुझे दे सकता है? वो मेरा भाई ला सकता है, या एक पति का पत्नी का पति ला सकता है, या बच्चों के पिता ला सकते हैं? ये कोई नहीं ला सकता। जो दर्द जो तकलीफ मेरे पूरे परिवार को है वो किसी को भी नहीं हो सकती, और मुझे न्याय चाहिए। जो इसके मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी चाहिए, और जो इसमें और भी जो कुछ मुख्य हैं उनकी भी मुझे अरेस्टिंग चाहिए, और जो मैंने प्रार्थना पत्र में अपने आईजी साहब को जो दिया है और मैंने उनका नाम गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि मुझे भी अपनी जान का खतरा है। आईजी साहब के पास आप आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि सेटिस्फाइड हैं उनकी बातों से आप? अभी तो 5% मुझे लग रहा है, जब उस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी तब मुझे पूर्ण विश्वास होगा। रमेश यादव जी, जी आपको आईजी ऑफिस क्यों आना पड़ा? आज जो 1 तारीख को हत्याकांड हुई थी इनके कारण आशु यादव पत्रकार जी की जी। तो उनको परिवार के सहित, क्योंकि पुलिस ने इंसाफी की अभी तक जांच आगे नहीं बुलाई है, और जो मेन दोषी हैं वो फरार हैं, पता नहीं सत्ता पार्टी का हाथ किसका हाथ, मुझे लगता है उनको भगाने में सत्ता पार्टी का हाथ लगता मुझे, इसलिए परिवार को साथ में लेके मुझे आई जोन का आना पड़ा है। और आई जी साहब ने अब बोलिए आजी साहब से जो वार्तालाप हुआ है उसमें अरे हो आजी साहब के वार्तालाप से क्या लगता है कि आशु यादव के परिवार को न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे तो यकीन कुछ परसेंट है कि पुलिस अपना काम करेगी और आशु के दोषियों को शीघ्र ही पकड़ने के प्रयास किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। DGP तक जाएंगे और जो कार्रवाई करेंगे। जी, आपका परिचय? जी, आपको अच्छा अच्छा आपको आईजी ऑफिस क्यों आना पड़ा, क्या मामला है? मामला एक्चुअली एक पत्रकार जी हैं आशु यादव जी, उनका मर्डर हो गया 1 तारीख को, तो परिवार के हिसाब से अभी जिनको सजा मिलनी चाहिए वो उस हिसाब से काम अभी नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई तो हुई है लेकिन संतुष्ट नहीं है परिवार अभी, इसलिए हम लोग आज आईजी साहब के पास आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो इस विषय में पूरा ध्यान देंगे और अच्छे से छानबीन होगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट।